हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। सी सेक्शन होने के बाद आपको एक वीक तक बहुत ही ज्यादा पेन रहता है और 10 से 15 दिन के बाद जब आपके टाके पूरी तरह से काट दिए जाते हैं तो आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिल जाता है और आपको दर्द में भी काफी ज्यादा रिलीफ मिलने लगता है। उसके बाद में जब आप धीरे धीरे चलना स्टार्ट करती हैं तो आपको बहुत ज्यादा पेन नहीं होता है। और सी सेक्शन होने के बाद शुरुआत के 15 से 20 दिन आपको अपने आप को रिलैक्स जरूर देना है। आप घर का काम करने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जब आपके 15 से 20 दिन कम्प्लीट हो जाते हैं फिर आप धीरे धीरे घर का काम करना बिल्कुल स्टार्ट कर सकती हैं। बट याद रखिए कि आपको एकदम से कोई भी काम नहीं करना है। आप धीरे धीरे सबसे पहले छोटा छोटा काम स्टार्ट करें, जैसे कि आप अपने लिए पानी गर्म कर सकती हैं एंड आप अपने लिए दलिया बना सकती हैं, खिचड़ी बना सकती हैं। मतलब आपको ऐसा काम करना है कि जिसमें आपके टांकों पर एंड आपके पेट पर बिल्कुल भी प्रेशर ना पड़े। और ध्यान रखें कि आप 15 से 20 दिन के बाद हल्का तो झुक सकती हैं लेकिन आप बिल्कुल झुकने की गलती ना करें। इससे आपके टांकों पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा एंड आपकी स्किन भी खींचेगी और आपके टांकों में काफी ज्यादा दिक्कत भी हो सकती है। और आप 15 से 20 दिन बाद जैसे बाबू के छोटे छोटे कपड़े हैं, पैजामी वगैरह है, तिकोनी वगैरह है, आप उनको खड़े होकर ही धोएं। आप बैठकर धोने की गलती ना करें और आप एक टेबल मंगा लें एंड खड़े होकर आप टेबल पर रखकर बहुत ही आराम से पोटी वगैरह साफ कर सकती हैं और आराम से खड़े खड़े आप धो लीजिए एंड आप वहीं पर एक टब वगैरह रखवा लीजिए एंड उसमें पानी डलवा लें। इससे आपको झुकना नहीं पड़ेगा और आपको एकदम से बहुत सारे कपड़े वगैरह धोने की गलती नहीं करनी है। और आपको कोई भी भारी सामान 6 महीने तक बिल्कुल भी नहीं उठाना है, क्योंकि आप ध्यान रखें आपके बाहर के टांके तो बहुत जल्दी सही हो जाते हैं बट आपके जो अंदर के टांके होते हैं उनको पूरा रिकवर होने में 6 महीने का टाइम लगता है। और अगर इस बीच आप लापरवाही करती हैं तो आपके ब्लीडिंग भी हो सकती है एंड आपके टांके भी खुल सकते हैं। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। और जब आप 15 से 20 दिन बाद खाना वगैरह बनाना स्टार्ट कर रही हैं तो आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा दाल वगैरह बनाएं और आप दाल में तड़का वगैरह खुद से बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि तड़का लगाते समय आपको अगर खांसी वगैरह एकदम से जो आती है वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है और ऐसे में आपके टांकों पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। आप सुबह जल्दी उठ के सब्जी वगैरह आप काट लीजिए एंड उसको हस्बैंड से छौंकवा दें। इससे आपको भस भी नहीं लगेगी और जो आटा वगैरह लगाना है एंड रोटी बनाना है वो आप बहुत ही इजिली खड़े खड़े बना सकती हैं। इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कम से कम 1.5 से 2 महीने आपको किचन में ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे कि आपको भस लगे। और आप 1 महीना कंप्लीट होने के बाद ही जमीन पर धीरे से थोड़ा थोड़ा बैठना स्टार्ट करें। आप ध्यान रखें कि जब आप बैठती हैं अगर आपको कंफर्टेबल हो रहा है, आपको बहुत खिंचाव महसूस नहीं हो रहा है तभी आप बैठें। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप बिल्कुल भी ना बैठें। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। और कंप्लीटली जब आपका 1.5 महीना हो जाता है तो आप जो है बैठ के कपड़े धोने वाला काम, झाड़ू लगाने वाला काम एंड बच्चे को नहलाने वाला काम ये बहुत ही इजिली कर पाती हैं। फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं, देखिए आपका सी सेक्शन हुआ है तो आपको सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके टांके गलती से भी दोबारा से खुल जाते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर उनको रिकवर होने में और दुगना टाइम लगेगा। इससे आपको भी दिक्कत होगी प्लस आपके बच्चों को भी दिक्कत होगी। तो बेटर होगा कि आप एक बार में ही सावधानी जरूर बरत लें। और आप 15 से 20 दिन बाद जब झाड़ू लगाएं तो आप खड़े होकर ही लगाएं और आप पोछा वगैरह लगाने की बिल्कुल भी गलती ना करें। और आप शुरुआत के 1.5 से 2 महीने जब भी आप बाबू की मालिश करती हैं तो आप बेड पर बैठ के ही करें। आप जमीन पर ना बैठें और ना ही आप कुर्सी पर बैठें। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा दर्द होगा और आप बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करेंगी। और जब भी आप बाबू की मालिश करें तो बहुत ज्यादा ना झुकें एंड ना ही बहुत ज्यादा देर बैठें। आप 1.5 से 2 महीने हल्की हल्की और जल्दी जल्दी मालिश करते और बाद में फिर जब आप रिकवर हो जाती हैं धीरे धीरे तो आप बहुत ही आराम से चाहे जितनी देर भी मालिश कर सकती हैं। और मैं बता दूं कि आप सी सेक्शन होने के बाद सीढ़ियां वगैरह अगर चढ़ना चाहती हैं तो आप कोशिश करें लगभग 1 से 1.5 महीने, अगर आपको बहुत ही इमरजेंसी है तभी आप सीढ़ियां चढ़ें। अगर आपको इमरजेंसी
प्रेगनेंसी नहीं है तो आप बिल्कुल भी ना चढ़ें, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ने से आपका पैर ऊपर नीचे होता है, इससे आपके टांकों पर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। तो आप कोशिश करें 1.5 से 2 महीने बिल्कुल बचने की, और आपको इमरजेंसी है तो आप बहुत ही धीरे धीरे से उतरे एंड बहुत ही धीरे धीरे से चढ़े। ध्यान रखना है आप कोई भी काम बहुत ही जल्दबाजी में ना करें। एक बात आप ध्यान रखें कि आपको सी सेक्शन होने के बाद आपको कोई भी काम बहुत ज्यादा देर तक नहीं करना है। आप जब भी काम करना स्टार्ट करें तो आप अपनी बॉडी को बीच बीच में रिलैक्स जरूर दें, क्योंकि डिलीवरी होने के बाद बॉडी को रिलैक्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और आप पूरी कोशिश करें अपने आप को ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स देने की। आप ज्यादा टेंशन ना लें कि ये काम पड़ा है वो काम पड़ा है। सबसे पहले आपकी बॉडी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जब वो रिकवर हो जाती है फिर आप बाद में जितना चाहें उतना काम बिल्कुल कर सकती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकती हैं। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में बेल आइकन भी दबा ले ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।